देखिए, मेरा नाम मनोज राज और मैं पटना आर्ट कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ और मैं शुरू से आर्ट और आर्टिस्ट के बीच में रहा हूँ। मैं खुद भी आर्टिस्ट हूँ, इस वजह से मैं व्यक्तिगत रूप में पर्सनली भी मैक्सिमम आर्टिस्टों को जानता हूँ। उनका काम करने का तरीका देख के ये लगता है कि एक्चुअल में वो सृजन काम दोनों के प्रति उनका एक अपना ही अलग रुझान है। मेरा ये मानना है कि किसी भी कलाकार के लिए जब तक वो सृजनात्मक रूप से कोई काम ना करे आगे आर्ट की फील्ड में नहीं कुछ नहीं दे पाएगा। मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ और मुझे ये पता है कि आर्ट का क्या आजकल फॉर्म चल रहा है। मैक्सिमम आर्टिस्टों को देखा है कहीं ना कहीं से इंस्पायर होना। मेरा ये कहना है कि गॉड से बड़ा कोई क्रिएटर नहीं, और इंस्पायरिंग उससे लो ना, किसी आर्टिस्ट से इंस्पायर होने की ज़रूरत क्या है। मैं ऑथर के लिए भी कहता हूँ कि किसी के पढ़ने की ज़रूरत क्या है। किसी राइटर ने कुछ लिख दी, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अपना देखो ना, उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने लिखा, आप उसको पढ़ के उसके बारे में आप जो कहते हो, सोचते हो, आपके विचार रखते हो, गलत है। आपके अपने विचार क्या हैं ये प्रकट करो, ये सच्ची आर्ट के प्रति सच्ची श्रद्धा कहलाएगी। मेरा ये विचार बनता है कि हम कुछ भी करें अपनी होनी चाहिए। और मुझे यहाँ आकर लगा कि जितने भी कलाकारों ने अपनी चीज़ें को अभिव्यक्ति, चाहे वो छायाचित्र के द्वारा उन्होंने प्रदर्शित किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इनका अपना कहा जा सकता है कि यह रियल वर्क, किसी से इंस्पायर नहीं, किसी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, और यही तो एक्चुअल में आर्ट है। आप यहाँ पर आए, आपको कैसा लगा ये शो देख करके? क्यूरेशन सारा हमारे सारे का था। क्यूरेशन मुझे लगा कि भाई इनका पिछला भी क्यूरेशन बहुत अच्छा रहा है 2016 में। मैंने सोचा कि चलो इस बार भी चलते हैं, देखें कैसा इन्होंने कलेक्शन किया है। क्योंकि क्यूरेटर का एक बहुत बड़ा अपना एक अलग पार्ट होता है कि उन्होंने पूरे बगीचे से कैसे कैसे फूल इकट्ठे किए, और ये चीज़ यहाँ मुझे देखने को मिल गया कि ये नीट एंड क्लीन एंड नेचुरल है, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अच्छे एग्जीबिशन में आने का मौका मिला। मैं कोशिश यही करूँगा कि दादा फिर से कुछ इसी तरह की चीज़ें लेके आगे भी आएँ, कुछ नई चीज़ जिसमें क्लियरिटी हम कर सकते हैं, और समाज के प्रति भी कुछ दायित्व हमारा बनता है। हम नीट एंड क्लीन दें, हम कमर्शलाइज तो हर कोई है लेकिन क्लियरिटी अपनी जगह पे, और उस पर अपनी पकड़ रखना एक क्यूरेटर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। आर्टिस्ट बेशक नई चीज़ का क्रिएट कर सकता है, लेकिन क्यूरेटर का होता है उसमें से छांटना, चुनना, ये सबके बस की चीज़ नहीं है। ये कुछ खास तरह की सोच वाले ही कर सकते हैं, और उन्होंने भाई साहब ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे इस बात की अच्छी कि हम यहाँ आए, देखे, और इनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है आदमी का, जो खुद से कहता है कि नहीं ये बेस्ट है, और वो चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिली है। शुक्रगुजार। अच्छा उमा शंकर जी, आप ये बताइए कि आपको कैसा लगा कि यहाँ पे ये न्यू आर्ट सेंटर में आपको एक शो क्यूरेट करना चाहिए? फिर आपने कैसे कैसे सिलेक्शन किया कि आर्टिस्ट को लेकर के, मतलब क्या सोच थी इस शो को लेकर के? ये मेरा पहला क्यूरेशन नहीं है। मुझे सारे आर्टिस्ट के बीच में रह के काम करना, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, और आर्टिस्ट का स्टूडियो जाना, उनके साथ बात करना, काम के ऊपर डिस्कस करना, मेरा स्टार्टिंग से रहा 2010 से। और मैं आर्टिस्ट का काम देख के खुद इंस्पायर होता हूँ उससे कि वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका आर्ट ऑफ वर्क जर्नी कैसे स्टार्ट होता है, और कैसे रह रहे हैं, उनके स्टूडियो में जा कर देखना, बात करना। तो मुझे लगा जब मैं आर्टिस्ट के बीच में हूँ तो उनके काम को लेकर कहीं दिखा सकते हैं, कोई गैलरी में दिखा सकते हैं। तो 2010 में मैंने ललित कला में किया, 2011 में त्रिवनपुर आर्ट गैलरी में किया, फिर सुनील चोपड़ा के साथ 2016 में अर्पणा आर्ट गैलरी में किया। फिर लंबा गैप रहा 3-4 साल का, उसके बाद फिर कुछ बिहार के अपने मित्र लोग, हमारे सीनियर बोले कि एक शो किया जाए, फिर मुझे भी लगा कि किया जाए, काफ़ी टाइम हो गए हैं। तो सारे आर्टिस्ट का मैंने बोला कि मेल कीजिए आप अपना अपना काम, जिसका जो काम अच्छा होगा फिर उसको लेके एक
ग्रुप प्रदर्शनी करेंगे। मुझे लगा आर्ट सिनेरियो में जो चल रहा है आज ऑपरेशन जो काम का है, काम करने का पैटर्न क्या है, स्टाइल क्या है, तो उसको लेके मैंने एक ग्रुप का नाम दिया कला आज आर्ट टुडे। मतलब आज के एक्टिविटी में क्या है, कैसा काम हो रहा है। तो मैंने कुछ फ्रेंड्स का काम देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, काम देखा, सिलेक्शन हुआ, फिर ज्यूरी मेंबर भी बैठे, काम को डिस्कस किया उसको, तो फिर ये सारे काम को लेके मैं एक आर्ट एग्जीबिशन कर सकता हूँ। तो फिर मैंने अरुण मैथ्यो को बोला ये गैलरी देने के लिए, तो फिर उन्होंने गैलरी भेज दिया और सारे अच्छे अच्छे काम को ला के फिर एग्जीबिट किया यहाँ, और आर्टिस्ट के साथ उनका बायोडाटा या काम करने का पैटर्न सब देख के मैंने शो ऑर्गेनाइज किया, जो काफ़ी अच्छा लगा। और आर्टिस्ट एक्टिव भी हैं अपने काम को लेके, अपने प्रेजेंटेशन को लेके, और ख़ुद भी काफ़ी एफर्ट्स लगाए यहाँ, जितने भी दर्शक आए सब काम का काफ़ी सराहनीय किया। और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट चांस में फिर नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर में करना चाहूँगा। धन्यवाद। अच्छा, इस शो में मतलब ज़्यादा आर्टिस्ट जो हैं वो बिहार से हैं, आप भी बिहार से हैं, तो आप बिहार की कला को कैसे देखते हैं, वहाँ के आर्टिस्ट को, या फिर उनको कैसे आगे एक नए प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, क्या उनके लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को स्थापित करने के लिए? एक्चुअली मैं कोई स्टेट को लेकर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आर्ट वर्क को प्रमोट करता हूँ, हमेशा मेरे ये फितरत रही है। और बेसिकली मैं बिहार से हूँ तो बिहार से एक लगाव रहा है मेरा, बिहार से पटना आर्ट कॉलेज से मेरा स्टडी हुआ है, तो कहीं ना कहीं से अपनी बातें रखने का या जो आप स्ट्रगल कर रहे हो तो वो सारी एक कहानी या स्टोरी जो होता है ना, हिस्ट्री, आप हिस्ट्री ऑफ आर्ट जैसे पढ़ते हो तो इसी तरह से इंसान के अंदर एक नॉलेज होता है, तो वो अपना होम टाउन से स्टार्ट करता है। तो मुझे लगा कि उन्हें अपने लोग को लेके कुछ और नए जो युवा कलाकार हैं उसको लेके एक जगह किया जाए। तो मैंने बंगाल से भी कुछ आर्टिस्ट लिया है, कुछ उड़ीसा के भी आर्टिस्ट हैं, कुछ बिहार के भी आर्टिस्ट हैं, तो तीन चार ग्रुप के आर्टिस्ट को मैंने रखा है स्टेट को, तो वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और एक आपस में डिस्कस भी हो रहा है कि उड़ीसा में कैसा काम चल रहा है, उड़ीसा के लोग कैसा कर रहे हैं, बिहार के लोग कैसा कर रहे हैं, या बंगाल के लोग जो आर्टिस्ट वो कैसा कर रहे हैं, तो आपस में एक डिस्कशन होकर आदान प्रदान होता है काम, फिर काम करने के स्टाइल भी पता चलता है। और डेली गैलरी में जाना, आर्टिस्ट से बात करना, आर्ट लवर से बात करना, फिर अपने काम में कहीं ना कहीं चेंजिंग आता है। जब तक आप दूसरे काम नहीं देखोगे, स्टडी नहीं करोगे, फिर पता नहीं चलेगा आपका लेवल कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट करना, आर्ट का लैंग्वेज क्या है आज के डेट में, ये सारी बातें जाके एक प्रॉपर स्पेस में मिलता है, जो कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं कलाद्र का, वहाँ पर सारे आर्टिस्ट आते हैं, गेट टुगेदर होता है, तो एक एनर्जी वहाँ से एक वॉल्यूम क्रिएट होता है। काम देखने के बाद ही बहुत सारे कुछ सीखने के लिए मिलता है, बातें करने का स्टाइल है, काम का लैंग्वेज है, जर्नी ऑफ आर्ट है। और आर्ट का जो है ना, मतलब कोई भी एरियाज नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, बियॉन्ड बाउंड्रीज है इसका। आप जितना काम करोगे, खुद ब खुद रियलाइज करोगे, आप अपने रिसर्च करोगे, तो काम में चेंजिंग धीरे धीरे आएगा। अच्छा मनोज राज जी, ऐसा है कि आप भी पटना आर्ट कॉलेज से ही है जी, आपने अप्लाइड से किया जी, उसके बाद अभी भी फील्ड में आप अप्लाइड में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपको क्या अंतर लगता है अप्लाइड आर्ट में और फाइन आर्ट्स में? जब आप एग्जीबिशन देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि दोनों में क्या फ़र्क है या फिर कोई सिमिलैरिटी है? राजेश भाई जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज के डेट में और आज के संदर्भ में इस टॉपिक पे बहस होनी चाहिए। लोग अक्सर इस टॉपिक पर बहस नहीं करना चाहते, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत और व्यवहारिक और व्यावसायिक तौर पे आर्ट भी कहीं ना कहीं से कमर्शलाइज हो गया है। अगर किसी आर्टिस्ट का कोई काम वो वर्क करता है और वो सेल आउट या कहीं से भी नहीं आगे बढ़ता है, तो फिर वो अंदर ही अंदर उसके गैलरी में तो बहुत सारे वर्क हो जाते हैं, लेकिन सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं से अब व्यवसायी तो है ही, माने या ना माने, मेरी नज़र में, मैं किसी को ये नहीं कह रहा है कि हर आर्टिस्ट कमर्शियल है, कमर्शियल एक बेस है। किसी भी काम का सृजन तभी बढ़ सकता है जब उसका प्रोडक्शन और आउटसोर्सिंग होता हो। जिस काम का आउटसोर्सिंग नहीं होता हो, शायद उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा, मेरा ये मानना है। तो मेरा ये कहना है कि आप कुछ भी करें, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि समाज क्या चीज़ पसंद करता है या समाज को हम नई चीज़ क्या देना चाहते हैं, जिससे वो उसको परचेज कर सके, चाहे उसको ले सके, ताकि आपको उस काम को करने के लिए और आगे
सोर्स ऑफ इनकम आपको मिले ताकि आप नई से नई चीज़ें सृजन कर सकें। मेरा विचार ये है, काफ़ी अच्छा बोला है आपने। और जहाँ तक मेरा मानना है, जब तक आर्टिस्ट अपने स्टूडियो में काम कर रहे हैं या अप्लाई किया कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, स्कल्पचर कर रहे हैं, तो उसका पूरा हक है उस काम पे। कुछ भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें ज्वेलरी लगा सकते हैं, गारमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उनका काम करने का स्टाइल है। बट जब उनके स्टूडियो से वो काम बाहर आता है, कला दीर्घा में आता है, आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन के लिए आता है, तो वो पूरी तरह से कमर्शलाइज हो जाते हैं। वहाँ फिर उनका कोई राइट नहीं बनता है, वो कमर्शियल के लिए। स्टूडियो से बाहर निकल गया काम तो फुल्ली कमर्शियल ही है। मैं पर्सनली देखा हूँ, आज हमारे यहाँ इंडिया आर्ट फेयर होता है, चाहे जितने भी बड़े स्तर पे आर्ट के फेयर होते हैं, मेन मोटिव होता क्या है? मैंने दो चार लोगों से पूछा भी, अंतर्गत बहस हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई ये है कि पेंटिंग जब तक वो बेच नहीं सकते, उसको मतलब कि कमर्शलाइज नहीं करेंगे, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते इस दुनिया में। जो भी कुछ है, जैसे कि आप गेहूं का भूसा ले लीजिए, वो भी व्यवसाय के लिए आता है। नतीजा गेहूं से निकलने वाला जो गाय चारा मिलने बन जाता है, ये वो सारा कुछ सेवल है इस दुनिया में। आर्ट फेयर में जितने भी आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी वर्क देते हैं, वो देखा ये जाता है कि किस आर्टिस्ट का वर्क कितना ज्यादा निकला। उद्देश्य होता क्या है? उद्देश्य होता है बाजारी करें, आपके पॉकेट में नहीं पैसा है तो फिर आप दूसरा काम कर रहा हो। ये तो पहले क्या था, सरकारी जो गवर्नमेंट का गैलरीज थी, या तो स्कॉलरशिप निकालता था, या तो आपको रेसिडेंसी था, है ना, उस पर आर्टिस्ट आश्रित रहते थे। लेकिन जो आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो गए, जिसके पास पैसा आ जाए, वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, वो कहीं गैलरी में भेजेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा, उनको यदि मन करेगा कि 2 फीट का काम बनाना है या 20 फीट कमाना है, तो उसके पास इतना पैसा है, वो किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद अपना हर साल कर सकते। हर साल कला अकेडमी बहुत लोगों को स्कॉलरशिप होती है, लेकिन मुझे लास्ट में पता चलता है कि वो आर्टिस्ट जाते कहाँ हैं, फिर वो किस दुनिया में फिर गुम हो जाते हैं। लेकिन जो लोग शुरू से सृजनात्मक काम कर रहे हैं, जो इन्वेंटिव काम कर रहे हैं, जिनको प्रोग्रेसिव आर्ट का नॉलेज है, वो लगे रहते हैं, उनको किसी स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं। उनको तो खुद ललित कला अकेडमी हो, चाहे जितने भी भारत की बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनको चाहिए उनको प्रोजेक्ट करें, ना कि उनको कि बस आपको स्कॉलरशिप दे दिया। आप ऐसा नहीं होता, आप देखो कि काम कौन कर रहा है, काम करने वाले को स्कॉलरशिप या जो भी रेसिडेंसी है, वो एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग पूरा प्रोसेस होता है उसका। तो गवर्नमेंट निकालती है, अप्लाई करते हैं बच्चे, जितने भी बच्चे लोग निकालते हैं, और उसमें से सिलेक्शन करके 10 लोग को मिलता है। 10 लोग मिला 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, तो उसके अंदर वो काम किए आर्टिस्ट के। उसके बाद उसका अपना पर्सनल लाइफ होता है, वो कैसे जर्नी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आर्ट के लिए कितना डिवोटेड, उनका फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से वो बिलोंग कर रहे हैं, वो अपनी चीज़ों के लिए स्टडी करेंगे, तो आई थिंक सो अपनी जगह को अच्छी तरह। लेकिन मैंने देखा है आज के डेट में, गूगल पे बैठा सर्च किया कि हाँ ऐसा काम बहुत अच्छा है, या ऐसा काम, उससे इंस्पायर्ड हो जाते हैं, और वो लेते हैं जो उनको होना चाहिए, जो अपने बारे में स्टडी करना चाहिए। मैं कहाँ से हूँ, मेरा घर कहाँ है, पापा क्या करते थे, मम्मा क्या करते थे, मेरा हिस्टोरिकल प्लेस क्या है, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ क्या चीज़ है, वो अपना चीज़ को धीरे धीरे लॉस्ट कर रहे हैं, और पश्चिमी सभ्यता को धीरे धीरे अपना रहे हैं। जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, और हम लोग उसके कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। चाहे आप फैशन ले लो या फूड ले लो, जो भी है, छोटा सा। अच्छा उमा शंकर जी, एक चीज़ बताइए, आप रेगुलर शो क्यूरेट करते रहते हैं, कई शो क्यूरेट किए हैं, आर्टिस्टों के साथ आपका उठना बैठना रहता है। एक दौर था आज से 10 साल पहले, वो भी आपने देखा है, जिसमें एक बूम था और आर्ट वर्क बहुत अच्छे से सेल होता था। आर्टिस्ट जो है सो दूसरे फील्ड से छोड़ छोड़ करके आर्ट फील्ड में आते थे, जो कोई इंजीनियर है अपना जॉब छोड़ करके भी आर्ट फील्ड में आ रहा था। लेकिन एक आज का दौर है, जो रिसेशन का दौर आया, उसके बाद से कई उतार चढ़ाव देखे गए, और आज जो स्थिति है आर्ट का, तो आपको कैसे लगता है कि एक आदमी जो आर्ट वर्क करना चाहता है, वो मतलब सर्वाइव कैसे कर सकता है? आपको क्या लगता है, क्या क्या सुधार होना चाहिए, जो कुछ छूट गया है इसमें? गलती आप किसकी मानते हैं, आर्टिस्ट की गलती मानते हैं, गैलरी की गलती मानते हैं, या गवर्नमेंट लेवल पे हैं उनकी गलती मानते हैं, या जो चल रहा है सब ठीक है? एक्चुअली बाज़ार से आप जब जुड़ोगे ना, तो बाज़ार की तरह आपका सोच विचार रहन सहन सारा कुछ हो जाएगा। और आर्टिस्ट शुरू से ही बाज़ार में कभी नहीं थे वो, और ना ही कभी रहे,
ये तो गैलरी का काम होता है, आर्टिस्ट अपने स्टूडियो में काम किए वो गैलरी को पहुंचा दिए, गैलरी में रख के आए, फिर गैलरी वाले ने उनका एग्जीबिशन किया। हो सकता आर्टिस्ट का प्राइस 1 लाख हो, गैलरी वाले ने 20 लाख में भेज दिया, क्योंकि उनका एक अप्रोच होता है, क्लाइंट्स होते हैं, बायर्स होते हैं, आर्ट लवर होते हैं, तो उनका काम है। बट गैलरी को, आर्टिस्ट को क्या बेनिफिट्स मिला वो बीच का एक कंडीशन होता है, और शायद किसी को पता नहीं। बाजार का माध्यम ये है कि जितना बढ़ा चढ़ा के बोला जाए मार्केट में, ब्रांड जो होता है ना, कपड़ा का हो गया, गारमेंट जो भी है ब्रांड्स, वो तो ब्रांड्स बनाया जाता है, तो उसी तरह से आर्टिस्ट का भी एक ब्रांड बनाया गया। जब तक कोई ब्रांड बनेगा नहीं तो उस आर्टिस्ट पे कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। बड़े बड़े लोग हमेशा, आप देखते हैं कि रोड साइड कपड़ा कभी नहीं खरीदते हैं, लोग हमेशा एक बिग मॉल में जाते हैं, बड़ा फैशन वहाँ के जो बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर होते हैं उसका क्लॉथ बाई करते हैं। उसी तरह से जो हमारे आर्ट के हैं वायर्स या आर्ट लवर्स या गैलरी वाले, उनको लगा कि आर्टिस्ट का भी एक ब्रांड होना चाहिए, या सैफ्रन आर्ट है या नेवेतुरी जो भी है, उन्होंने उनका सारा काम लेके आर्ट एग्जीबिशन लगा के उनको प्रमोशन दिया और एक मार्केट बनाया, मार्केट बनाया और काम भी बिका। लेकिन जो रियल आर्टिस्ट हैं, जो मतलब बैचलर बीएफए सारा कुछ किया, उन लोग को भी लगा तो उनका काम जब इतना लेवल है तो हम लोग को भी कुछ करना चाहिए, उन लोग को लगा और वो लोग भी गैलरी के पीछे भागना स्टार्ट कर दिए। रही बात काम की, जो काम में प्योरिटी थी वो धीरे धीरे कहीं से लॉस्ट होते चला गया। लेकिन जब तक मैं बहुत लोगों को समझ में आया कि मार्केट क्या है आर्ट का, तो मार्केट गिर चुकी थी, वो डाउन हो चुकी थी, पूरे वर्ल्ड वाइड में प्रॉब्लम हुआ था, ना कि इंडिया में। और जो रियल काम करने वाले हैं वो आज भी दिख रहे हैं, जो मार्केट के पीछे भाग रहे हैं वो आज दिख नहीं रहे, कहाँ नहीं है। तो आपके अंदर जहन में यदि वो है कि मुझे काम करना है तो आप काम ही करोगे, मार्केट के पीछे कभी नहीं भागोगे, गैलरी के पीछे, वो खुद आपके पास आएंगे।